लालू जी जल को मेरे हाथ में पकड़वाओ, मेरे हाथ में जल्दी से दो। एक तो आप दौड़ से बहुत हल्की हल्की हो, अपनों को डाक कावड़ को 20 घंटे में पूरा करना है। शिवराज सिंह जी आप कैसे मुस्कुरा रहे हो, जल्दी से मोटरसाइकिल से आगे जाकर खड़े हो, क्योंकि 100 मीटर के बाद आपको मुझसे जल लेकर दौड़ना है। राहुल तुम बहुत दूर आकर खड़े हुए, क्या बीच में एक बंदा खड़ा होना भूल गया? भागते भागते बिल्कुल मैं थक गया। डाक कावड़ भी बड़ा कठिन कावड़ यात्रा होती है, लेकिन करना तो है। भोले के लिए हम कुछ भी करेंगे। राहुल तेजी से दौड़ो, समय कम बचाए, अपनों को इस जल को जल्द से जल्द भोले के मंदिर पर जाकर चढ़ाना है, जल्दी भागो। राहुल कम से कम दौड़ना तो शुरू करो तेजी से, तुम्हें मालूम होना चाहिए डाक कावड़ में रुकना बिल्कुल नहीं होता है। तेजी से दौड़ो, मैं आगे जाकर खड़ा हो रहा हूँ, और इस जल को मुझे दे देना। देखो मोदी जी कितनी तेजी से अकेले दौड़े जा रहे हैं। मोदी जी इस डाक कावड़ में आपके साथ कौन कौन है? शिवराज सिंह जी मेरी इस डाक कावड़ यात्रा में मेरे साथ केजरीवाल जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी हैं। राहुल तुमने कितने घंटे में अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को पूर्ण करने के लिए संकल्प लिया है? मोदी जी हम तो 20 घंटे में अपनी इस डाक कावड़ को पूर्ण करना चाहते हैं, आप कितने घंटे में पूर्ण करना चाहते हैं? राहुल हम तो अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को 16 घंटे में पूर्ण करेंगे। वैसे जिस तरीके से मैं भाग रहा हूँ, इससे जल्दी भी पूर्ण हो सकती है ये यात्रा। एक बार सब लोग जोर से बोलो, बम बम बोले, बम बम बोले। अरे अखिलेश तुम तो बहुत पीछे थे, बड़ा तेजी से दौड़ रहे हो, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तुमने इस डाक कावड़ यात्रा को कितने घंटे में पूर्ण करने का संकल्प लिया है, और तुम्हारे साथ कौन है? मोदी जी मेरे साथ वो देखो पीछे मोटरसाइकिल से योगी जी आ रहे हैं, और हमने इस डाक कावड़ यात्रा को हरिद्वार से भोले के मंदिर तक इस जल ले जाने के लिए 12 घंटे का संकल्प लिया है। योगी जी जल्दी से तेजी से आओ, आगे जाकर खड़े हो। अखिलेश थोड़ी दूर दौड़ो तो, अभी तो मैंने अपने हाथ से जल तुम्हें दिया है। आगे देखो राजनाथ सिंह जी खड़े हुए होंगे, उन्हें ये जल पकड़ा देना, उसके बाद तुम मोटरसाइकिल पकड़ लेना, आगे जाकर मैं खड़ा हो जाऊंगा। अपनों को इस डाक कावड़ यात्रा को सबसे जल्दी पूर्ण करना है, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आपने इतना भारी बोरा मेरे ऊपर रखवा दिया है, जब से घर से चला हूँ मैं गांव से, तब से यहाँ रेलवे स्टेशन तक ये रजाई और चादर का बोरा मेरे ऊपर लदा हुआ है। मोदी जी आपके कहने पर हम गांव से शहर में मजदूरी करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन शहर में मजदूरी तो अच्छी हो जाएगी, एक बात तो बताओ। राहुल अगर मेरी अच्छी मजदूरी होगी शहर में तो तुम्हारी भी अच्छी मजदूरी होगी, मैं कोई अलग से मजदूरी थोड़ी करूंगा। लेकिन एक बात बताऊं राहुल, गांव से शहर में जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले घर से सामान लेकर निकलो, फिर रेल का इंतजार करो, और फिर जाके शहर में मजदूरी ढूंढो। जब तक मजदूरी नहीं मिलती है, सारा सामान लेकर इधर उधर फिरते रहो। मोदी जी बातों में ही वक्त जाया कर दोगे, ये जो अपने बराबर में खड़ी हुई है रेल, यही शहर को जा रही है, रेल चल पड़ेगी, जल्द से जल्द रेल का टिकट ले लो। वैसे मोदी जी हम आपसे एक बात तो पूछना चाहते हैं, शहर में जाके कितने रुपए की मजदूरी हो जाएगी? लालू जी शहर में जाके कम से कम 200 रुपए रोज की मजदूरी होगी। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, फिर शहर जाने का क्या फायदा, गांव में भी तो 150 रुपए की मजदूरी हो जाती थी, अब कम से कम 50 रुपए का तो शहर में खाना खर्चा भी हो जाएगा, तो 200 रुपए की मजदूरी का क्या फायदा शहर में? मैं तो यहीं से रेलवे स्टेशन से गांव के लिए लौट जाता हूँ। लेकिन योगी जी एक बात बताऊं, गांव की कमाई हाथ में दिखती नहीं है, मतलब गांव में जो भी पैसा कमाओ तुरंत खर्च हो जाता है, अब कम से कम शहर में जो पैसा कमाएंगे हाथ में तो जमा होता रहेगा। मोदी जी आपने लालू जी की बात का जवाब नहीं दिया, ये जो बराबर में रेल खड़ी है, इसी रेल पर अपनों को शहर जाना है, अगर इसी रेल से जाना है तो ये रेल छूटने वाली है, जल्द से जल्द जाके शहर तक के 6 टिकट ले आओ। अखिलेश अगर अपना इस रेल का टिकट नहीं ले पाते और ये रेल चलना शुरू हो जाती है तो इस पे अपना लोग चढ़ जाएंगे, लेकिन इस रेल को छूटने नहीं देंगे, क्योंकि अगली रेल तो 3 घंटे बाद आएगी। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, बिना टिकट के मैं तो इस रेल पर चढ़ूंगा नहीं, आप चढ़ना चाहते हो चढ़ जाओ, टीटी ने पकड़ लिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अरे शिवराज सिंह जी कौन बिना टिकट के यात्रा करेगा, अरे अगला स्टेशन नजदीकी है, वहाँ पर जब ये ट्रेन रुकेगी तभी उतर के जल्दी से मैं टिकट ले लूंगा। ट्रेन छोड़ने से तो अच्छा है कि ट्रेन में चढ़ जाओ, अगले स्टेशन पे टिकट ले लो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।